हेलो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, माय नेम इज नीक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक शब्दों की अच्छी समझ होनी चाहिए। अक्सर लोग बड़े बड़े और मुश्किल शब्दों को लेकर परेशान हो जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अक्सर छोटे छोटे और सरल शब्दों से ही हम इंग्लिश की बुनियाद बना सकते हैं। इन शब्दों की सही समझ से और सही यूज से आप बिना किसी दिक्कत के इंग्लिश बोल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इंग्लिश के कुछ बेसिक शब्द सीखेंगे, जैसे कि लाइक, बॉन्ड, लव। इन शब्दों के सही यूज से आपके इंग्लिश में बहुत बड़ा सुधार देखने के लिए मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई लाइक और आई लाइक टू के बारे में। आई लाइक का मतलब होता है कि मुझे पसंद है। आई लाइक का यूज हम वहां पर करते हैं जब हमें बोलना होता है कि मुझे कुछ चीज पसंद है, जैसे कि मुझे सेब पसंद है। तो आप बोलोगे आई लाइक एप्पल, मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम किसी चीज की बात कर रहे हैं तो वहां पर लाइक का यूज होता है। लेकिन अगर आप किसी क्रिया के बारे में बात करेंगे या फिर किसी वर्ब के बारे में बात करेंगे, मतलब किसी एक्शन को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं या फिर किसी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप लाइक के साथ टू का यूज करेंगे। जैसे आपको कोई काम करना पसंद है तो वहां पर आप लाइक के साथ टू का यूज करेंगे। जैसे मुझे सेब खाना पसंद है, यहाँ पर आप अपने एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं कि मुझे सेब खाना पसंद है, मुझे ये एक्टिविटी करना पसंद है, तो वहां पर लाइक के साथ टू का यूज होगा। आप ऐसे बोलोगे आई लाइक टू ईट एप्पल। टू ईट से यहाँ पर ये पता चल रहा है कि हम किसी क्रिया को पसंद करते हैं या फिर हम किसी वर्ब को पसंद करते हैं, ना कि केवल एक चीज को। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर मैं बोलूं मुझे दौड़ना पसंद है, आप बोलोगे आई लाइक रनिंग। यहाँ पर केवल एक चीज के बारे में बात चल रही है कि मुझे ये चीज पसंद है, आई लाइक रनिंग। अब जैसे अगर मैं बोलूं मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, तो यहाँ पर बोलोगे आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मतलब मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। यहाँ पर लाइक टू का यूज हुआ है और प्लस वर्ब का यूज हुआ है, मतलब क्रिया का यूज हुआ है। मुझे म्यूजिक पसंद है, I like music, और मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, I like to listen to music। मुझे किताबें पसंद है, I like books। या फिर अगर मैं बोलूँ मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, I like to read books। मुझे सुबह एक्सरसाइज पसंद है, I like exercises in the morning। अगर आप बोलोगे मुझे सुबह एक्सरसाइज करना पसंद है, I like to do exercises in the morning। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर like के साथ केवल कोई चीज है तो वहां पर हम like का यूज करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में कोई वर्ब जुड़ जाती है या फिर कोई एक्टिविटी को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं या फिर किसी एक्शन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो वहां पर हम लाइक के साथ टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अलाइक के बारे में। आई एम अलाइक, इसका मतलब होता है कि आप किसी के जैसे हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, आई एम अलाइक माय फादर, मतलब मैं अपने फादर से रिजेंबल करता हूं, मतलब मैं अपने पिताजी जैसा हूँ। यहाँ पर अलाइक का मतलब यही हो गया कि किसी से कंपेयर करना या फिर किसी से तुलना करना। जब आप अपनी या फिर किसी और की तुलना करते हैं तो वहां पर अलाइक का यूज होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अलाइक का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज या फिर कोई पर्सन है उसकी तुलना की जा रही है। ये एक स्थायी गुण को बताने के लिए यूज होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, दे बोथ थिंक अलाइक, मतलब वे दोनों एक जैसा सोचते हैं। दे बोथ थिंक अलाइक, मतलब यहाँ पर अलाइक का यूज इसलिए हो रहा है, आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि उन दोनों की सोचने की जो क्षमता है या फिर सोचने का जो तरीका है वो एक जैसा है। These two shirts look alike, मतलब ये जो दोनों शर्ट्स हैं वो एक जैसी दिखाई देती हैं। इनका जो अपीयरेंस है वो एक जैसा है। The twins behave alike in every situation, मतलब जो ट्विंस हैं या फिर जो जुड़वा हैं वो हर एक सिचुएशन में एक जैसा बिहेव करते हैं या फिर एक जैसा व्यवहार करते हैं। The sisters dress alike on special occasions, मतलब जो सिस्टर्स हैं, जो बहने हैं, वो खास मौकों पर एक जैसे ड्रेस पहनती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आई वॉन्ट और आई वॉन्ट टू के बारे में। आई वॉन्ट का सिंपली मतलब होता है कि मुझे कुछ चाहिए। अब हम यहाँ पर अगर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि मुझे वो चाहिए, आई वॉन्ट दैट, मतलब आई वॉन्ट का यहाँ पर यूज होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे लाल शर्ट चाहिए, आई वॉन्ट अ रेड शर्ट, यहाँ पर हम केवल किसी चीज की मांग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वॉन्ट का यूज हो रहा है। अगर हम किसी
क्रिया की बात कर रहे हैं या फिर कोई वर्ब है उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसी काम को करना चाहते हैं, तो वहाँ पर वॉन्ट के साथ हम टू का यूज करेंगे प्लस वर्ब का यूज करेंगे। मतलब हम अपने एक्शंस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं या फिर हम कुछ करना चाहते हैं उसकी इच्छा को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। जैसे मैं जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वर्ब का यूज होगा आई वॉन्ट टू गो। टू गो से ये साफ हो गया यहाँ पर कि आप किसी क्रिया को करना चाहते हैं, किसी वर्ब को करना चाहते हैं या फिर कोई काम है उसको आप करना चाहते हैं, ना केवल किसी चीज को आप करना चाहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं मुझे एक कप कॉफी चाहिए, तो आप बोलोगे आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी। मतलब मुझे कोई चीज चाहिए, आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी। अब जैसे अगर मैं वर्ब के बारे में बात करूं, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर वॉन्ट टू के साथ हम प्ले का यूज कर रहे हैं, मतलब वॉन्ट टू के साथ हम वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्रिया को डिस्क्राइब किया जा रहा है। जैसे मुझे एक नया फोन चाहिए, आई वॉन्ट अ न्यू फोन। यहाँ पर केवल हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे मैं बोलूँ आई वॉन्ट मोर टाइम टू कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुझे और समय चाहिए, मतलब यहाँ पर क्रिया के बारे में बात की जा रही है। आई वॉन्ट सम वॉटर, मतलब मुझे कुछ वॉटर चाहिए, कुछ पानी चाहिए। या फिर आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्विम, मतलब मैं कुछ क्रिया करना चाहता हूँ, मतलब मैं सीखना चाहता हूँ कि तैरा कैसे जाता है, या फिर मैं तैरना सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू विजिट पेरिस नेक्स्ट ईयर, मतलब मैं पेरिस अगले साल घूमना चाहता हूँ या फिर पेरिस अगले साल में जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को मैं सुधारना चाहता हूँ। यहाँ पर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा को आप व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं आई वॉन्ट बी के बारे में। दरअसल ये जो वॉन्ट है ये वॉन्ट टू की शॉर्ट फॉर्म होती है। जब हम जल्दी जल्दी बात करते हैं तो वॉन्ट टू को हम वॉन्ट कह देते हैं, तो इसका सिंपल ये मतलब ये होता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी। अगर मैं आई वॉन्ट टू बी का मतलब आपको बताऊं तो इसका मतलब सिंपल ये हो जाएगा कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ या फिर मैं कुछ होना चाहता हूँ। जैसे मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मतलब मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। मतलब फ्यूचर में आप किसी पॉसिबिलिटी को या फिर कुछ होने की इच्छा को आप व्यक्त करते हो। आई वॉन्ट टू बी अ फेमस पर्सन, मतलब मैं एक फेमस इंसान बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, मतलब मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, या फिर आई वॉन्ट बी योर फ्रेंड, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। आई वॉन्ट बी द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, मतलब मैं टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, या फिर मैं होना चाहता हूँ एक सबसे बढ़िया प्लेयर टीम में। यहाँ पर वॉन्ट बी का मतलब यही हो गया कि आप किसी चीज को बनना चाहते हैं या फिर आप कुछ बनना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो स्लैंग है ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज होती है, खासकर बोलचाल वाली लैंग्वेज में यूज होता है, इसका यूज फॉर्मल लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आई लव और आई लव यू के बारे में। पहले हम बात करेंगे आई लव के बारे में। इसका सबसे आम मतलब होता है मुझे प्यार है। जैसे अगर मैं बोलूं आई लव यू, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मुझे तुमसे प्यार है या फिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे आई लव हर, मुझे उससे प्यार है या फिर मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन इसी वर्ड लव का एक और मतलब भी होता है जिसे हम अलग सेंस में यूज करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इसे हम इग्नोर भी मान देते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना या फिर किसी चीज को या फिर किसी पर्सन को हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उस टाइम पर भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो आई लव पिज्जा, मुझे फिल्में बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव मूवीज, मुझे चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव चॉकलेट्स, या फिर मुझे चॉकलेट से बहुत ज्यादा प्यार है। आई लव माय फैमिली, मतलब मुझे अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार है या फिर मुझे अपना परिवार बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव रेनी डेज, मतलब मुझे बारिश के जो दिन होते हैं वो बहुत ज्यादा पसंद है। आप यहाँ पर अपने एंजॉयमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर। आई लव योर स्माइल, मतलब मुझे आपकी स्माइल बहुत ज्यादा पसंद है या फिर आपकी मुस्कान बहुत ज्यादा पसंद है या फिर मुझे आपकी मुस्कान से बहुत ज्यादा प्यार है। आई लव ट्रैवलिंग, मतलब मुझे ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर सिंपली आप इसका मतलब जान चुके हो कि किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना। लेकिन अगर हम किसी क्रिया के बारे में बात करना चाहते हैं या फिर किसी एक्शन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं या फिर कोई एक्टिविटी है आपकी उसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो उस टाइम पर आप लव के साथ टू का यूज करके आप उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं मुझे किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव टू रीड।
बुक्स। जैसे अगर मैं सिंपली अगर ऐसा बोलना चाहूँ कि मुझे किताबें बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप ऐसा बोल दोगे आई लव बुक्स। लेकिन अगर किताबें पढ़ना, यहाँ पर एक एक्टिविटी को करने के बारे में बात की जा रही है या फिर किसी एक्शन को करने के बारे में बात की जा रही है, तो उस टाइम पर आप ऐसा बोलोगे आई लव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे यात्रा करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप ऐसा बोलोगे आई लव टू ट्रैवल। मुझे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव टू डांस। मुझे अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव टू कुक फॉर माई फैमिली। मुझे पार्टीज में डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव टू डांस एट पार्टीज। मुझे दूसरों की मदद करना बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव टू हेल्प अदर्स। एक्सप्लोर करना, मुझे नई जगहों की खोज करना बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। तो गाइस आज हमने सीखा कि कैसे छोटे छोटे शब्दों का सही यूज करके इंग्लिश को आप बेहतर बना सकते हैं, या फिर ये जो सारे छोटे छोटे शब्द होते हैं या फिर जो बेसिक वर्ड्स होते हैं वे इंग्लिश को बेहतर बनाने में कैसे मदद करते हैं। जैसे कि लाइक के बारे में हमने सीखा, अलाइक के बारे में सीखा, वांट, वाना, लव, इन सारे शब्दों का सही तरीके से यूज कैसे किया जाता है और आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसमें सुधार कैसे करते हैं ये सारे वर्ड, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हमने देखी। तो हमने देखा कि कैसे लाइक का यूज हम चीजों के लिए करते हैं, लाइक टू का यूज हम एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर क्रिया को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। इसी तरीके से want और want to में भी अंतर है। Wanna एक इनफॉर्मल वर्ड है, तो इनफॉर्मल तरीके में हम इसका यूज करते हैं, want to जब हमें कहना हो। और love का यूज केवल प्यार नहीं है बल्कि गहरी पसंद भी है किसी चीज को लेकर। तो अगली बार जब आप इंग्लिश में कुछ बोलना चाहते हैं तो इन सारे शब्दों का सही यूज करके देखें। मुझे यकीन है कि आपकी जो इंग्लिश बोलने की कैपेसिटी है या फिर जो आपकी स्पीकिंग स्किल है उसमें बहुत बड़ा सुधार होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।